Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. In the previous lecture, we have completed exercise 3.3. We have completed till exercise 3.3. In today's class, we'll proceed with our next exercise, that is miscellaneous exercise. अगर आपके पास old NCERT edition है, तो उसमें जो exercise 3.4 है आपके old NCERT edition में, वो आपकी deleted हो चुकी है. New edition में 3.4 होगी ही नहीं. 3.3 के बाद directly आपको करना miscellaneous exercise. 3.4 का जो कंसेप्ट था रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका सिलेबस से अब डिलीट हो चुका है फॉर द करंट सेशन 2023-24. मिसलिनियस एक्सरसाइज का जो ऑर्डर हम एनसीईआरटी वाला फॉलो नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम सारे करेंगे, लेकिन पहले जो शुरुआत कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 से कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी वैल्यू है, आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी वैल्यू है 3-4, 1-1. फिर आपको कहा जा रहा है देन प्रूव दैट ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, where n is any positive integer. First of all, देखो ऐसे questions को करने का जो way होता है, जो concept होता है इन questions को करने का, उसको हम कहते हैं principle of mathematical induction, जो आपका class 11 का concept है. Principle of mathematical induction से हम prove करेंगे that a raised to power n is equal to this. अब principle of mathematical induction से prove करने के लिए हमें 3 steps का हम use करते हैं. First step में क्या होता है, step 1 में हम क्या करते हैं, n की जगह 1 put करते हैं और हम ये देखेंगे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है. फिर आता है स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है, हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट a रेज टू पावर k इज ट्रू. लेट अस अज्यूम दैट a रेज टू पावर k इज ट्रू, मींस n की जगह हम k रखेंगे और हम मान लेते हैं कि ये ट्रू है. ट्रू होने का मतलब हम मान लेते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है फॉर n इज इक्वल टू k वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी. देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज स्टेप 3. इसमें हमें प्रूव करना होता है, वी शैल प्रूव दैट व्हेन, सॉरी, वी शैल प्रूव दैट व्हेन n इज इक्वल टू k प्लस 1, व्हेन n इज इक्वल टू k प्लस 1 तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी. इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम प्रूव करेंगे. ये चीज क्लियर है, सॉरी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, देखो आपको गिवन क्या है, हियर a रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के साथ हम आगे बढ़ेंगे. हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1. तो जब आप n की जगह 1 पुट करोगे तो a रेज टू पावर 1 किसके इक्वल हो जाएगा आपका 1 + 2 - 4, और फिर n की जगह क्या हो जाएगा 1, और 1 - 2 और n की जगह 1 रखोगे. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा आपका 3 - 4 1, और 1 - 2 क्या हो जाएगा आपका -1 -1. अब आप देख सकते हो ये वैल्यू आपकी a के इक्वल ही आ रही है, दैट इज 3 - 4 1 - 1, 3 - 4 1 - 1, दैट इज ट्रू. तो ये आपका ट्रू है, दैट इज a रेज टू पावर n इज ट्रू और n इज इक्वल टू 1. या इसको थोड़ा डिटेल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, दैट इज a रेज टू पावर n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1. ये क्लियर हो गया, ठीक है. फिर क्या होगा, लेट अस अज्यूम दैट a रेज टू पावर n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, फॉर n इज इक्वल टू k. अब आप ये देखो कि दिस इज a रेज टू पावर n, दिस इज a रेज टू पावर n. तो आप ये कह रहे हो कि जब n की वैल्यू की, जब n इक्वल टू k होगा तो ये आपका ट्रू होगा. तो ये रिलेशन आपका क्या होगा, ये जो गिवन वैल्यूज है आपकी ये ट्रू होगी. इसका मतलब क्या हुआ, एज a रेज टू पावर n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज a रेज टू पावर k विल बी इक्वल टू 1 + 2n - 4n, नॉट n, n की जगह क्या पुट करेंगे हम k. तो 1 - 1 + 2k - 4k k, और ये हो जाएगा 1 - 2k, ये क्या हो जाएगा 1 - 2k. ये भी क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वी शैल प्रूव दैट a raised to power n is true for n is equal to k plus 1.
आप ये देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए रेज टू पावर एन। अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे एन इज इक्वल टू के प्लस वन। तो पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन, एन इज इक्वल टू के प्लस वन, तो व्हाट वी विल हैव, ए रेज टू पावर के प्लस वन इक्वल टू वन प्लस टू, एन की जगह क्या हो जाएगा के प्लस वन, माइनस फोर, फिर एन की जगह क्या हो जाएगा के प्लस वन, फिर एन की जगह क्या हो जाएगा के प्लस वन, वन माइनस टू, और फिर एन की जगह क्या हो जाएगा आपका के प्लस वन, फिर एन की जगह क्या हो जाएगा के प्लस वन। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ए रेज टू पावर के प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा आपका, वन प्लस, देखो टू को के से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा टू के, प्लस टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा टू, माइनस फोर को के से मल्टीप्लाई करोगे माइनस फोर के हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस फोर, माइनस फोर, फिर ये हो जाएगा आपका के प्लस वन, ये हो जाएगा वन माइनस, माइनस टू को के साथ करोगे तो माइनस टू के हो जाएगा, और माइनस टू को प्लस वन के साथ करोगे तो माइनस टू हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका ए रेज टू पावर के प्लस वन है, इट विल बी इक्वल टू, देखो टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री प्लस टू के, ये क्या हो जाएगा माइनस फोर के माइनस फोर, ये क्या हो गया के प्लस वन, और ये हो गया आपका माइनस टू के, और माइनस टू, माइनस टू प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस वन, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको इसको प्रूव करके दिखाना है, ये जब आपने एन की जगह के प्लस वन रखा तो ये इक्वेशन बन रही है आपकी। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए रेज टू पावर के प्लस वन, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब मुझे इसको प्रूव करके मुझे इसको प्रूव करना कि वो मेरी इस राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, मेरी इस राइट हैंड साइड के क्या होगा इक्वल होगा, तो इट विल बी इक्वल टू ए रेज टू पावर के इंटू ए, मैं लिख सकता हूँ ए रेज टू पावर वन। अब ए रेज टू पावर के, ए रेज टू पावर के ये आपने अभी फाइंड किया था भाई, जहां एन है वहां पर के लिख देते हैं ऑलरेडी हम इसको, ये देखो जहां एन है वहां पे हम के लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए रेज टू पावर के की जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वन प्लस टू के माइनस फोर के, ये हो जाएगा के, और ये हो जाएगा वन माइनस टू के, जहां जहां आपको एन दिखाई दे रहा है वहां क्या आ जाएगा आपका के आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है ए रेज टू पावर वन दैट इज ए। अब जहां एन दिखाई दे रहा है वहां वन पुट कर देते हैं, तो यहां वन पुट करोगे तो वन प्लस टू क्या हो जाएगा थ्री, यहां वन पुट करोगे तो माइनस फोर हो जाएगा, यहां वन पुट करोगे तो वन हो जाएगा, और यहाँ वन पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस वन। तो जब आप पुट करोगे तो व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर, और ये हो जाएगा आपका वन, और ये हो गया माइनस वन, ये हो गया आपका माइनस वन। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा वन प्लस टू के इंटू थ्री, वन प्लस टू के इंटू थ्री, इट विल बी इक्वल टू थ्री वन जै थ्री प्लस थ्री टू जा सिक्स के, फिर आप माइनस फोर के को वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर के। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, तो पहले माइनस फोर के साथ करोगे इसको तो क्या आ जाएगा माइनस फोर इंटू वन प्लस टू के, फिर माइनस वन के साथ जब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फोर के, प्लस फोर के, ये भी हो गया। अब क्या करना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो आप के साथ पहले थ्री को करोगे तो क्या हो जाएगा थ्री के, और फिर आप वन के साथ इसको करोगे तो ये हो जाएगा प्लस वन विद इन ब्रैकेट वन माइनस टू के, विद इन ब्रैकेट वन माइनस टू के, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, के साथ करोगे माइनस फोर को तो क्या हो जाएगा माइनस फोर इंटू के, और माइनस वन के साथ इसको करोगे तो माइनस वन विद इन ब्रैकेट हो जाएगा वन माइनस टू के, वन माइनस टू के। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो जाएगा सिक्स के माइनस फोर के दैट इज थ्री के, प्लस में क्या आ जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा आपका थ्री के प्लस वन इंटू वन क्या हो जाएगा प्लस वन, और वन इंटू माइनस टू के क्या हो जाएगा माइनस टू के, माइनस फोर को वन के साथ करोगे तो माइनस फोर हो जाएगा, और माइनस फोर को प्लस टू के साथ करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एट के, प्लस में क्या आ जाएगा फोर के, देन माइनस फोर के,
माइनस वन को वन के साथ करोगे तो माइनस वन हो जाएगा, और माइनस वन को माइनस टू के साथ करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू के, प्लस टू के। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, वी विल हैव, देखो अगर मैं यहां से थ्री कॉमन लेता हूँ, थ्री कॉमन लेता हूँ तो ये हो गया के प्लस वन, और थ्री के माइनस टू के ये भी क्या हो गया, के प्लस वन, और माइनस एट के प्लस फोर के और माइनस फोर, तो ये हो गया बेसिकली माइनस फोर और माइनस फोर के, और ये क्या हो गया माइनस फोर के प्लस टू के, ये हो जाएगा माइनस टू के माइनस फोर के प्लस टू के, ये हो गया माइनस टू के, और ये हो गया माइनस वन, ये हो गया आपका माइनस वन, ये क्या हो गया माइनस वन। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास वैल्यूज आ रही है, आप देखो आपकी जो राइट हैंड साइड थी वो देखते हैं पहले क्या है हमारी, दिस इज अवर राइट हैंड साइड, दिस इज अवर राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड इज थ्री प्लस टू के, थ्री प्लस टू के, देखो ये तो आपका मैच कर रहा है, ये आपका क्या है माइनस फोर, माइनस फोर के माइनस फोर, ये आ गया आपका माइनस टू के माइनस वन, ये भी आ गया के प्लस वन, ये भी आ गया, यहाँ थ्री प्लस टू के आ रहा है, तो देखो यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है भाई, थ्री प्लस टू के बिल्कुल गड़बड़ हुई है, गड़बड़ ये हुई है कि थ्री आएगा आपका और सिक्स के माइनस फोर के, सिक्स के माइनस फोर के क्या होगा प्लस टू के, सिक्स के माइनस फोर के क्या होगा प्लस टू के, तो यहां पर क्या आएगा आपका थ्री प्लस टू के। अब आप चेक करो जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है आपका थ्री प्लस टू के, तो यहाँ भी थ्री प्लस टू के है, फिर है माइनस फोर माइनस फोर के माइनस फोर माइनस फोर के, फिर है के प्लस वन तो ये भी के प्लस वन है, फिर माइनस टू के माइनस वन ये भी माइनस टू के माइनस वन है, इसका मतलब क्या, दैट इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे आपने तीन स्टेप अपने पूरे कंप्लीट कर दिए, पहला स्टेप क्या था, पुट एन इज इक्वल टू वन, पुट एन इज इक्वल टू वन, और वहां से हमने क्या प्रूफ किया दैट इट इज ट्रू, पहले स्टेप में हम एन की जगह वन रखते हैं और प्रूफ करते हैं कि वो ट्रू है, तो हमने देखा कि ए रेज टू पावर वन जो है वो हमारा ए के इक्वल आ रहा था जो भी गिवन वैल्यू थी। सेकेंड स्टेप को आप एज्यूम करते हो कि लेट अस एज्यूम दैट ए रेज टू पावर एन इज टू फोर एन इज इक्वल टू के, वो एज्यूम कर दे, तो एज्यूम करो तो वो ट्रू ही होगा, आपने मान लिया कि वो ट्रू है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्टेप थ्री, वी शैल प्रूव दैट, वी शैल प्रूव दैट ए रेज टू पावर एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, तो जब आप एन की जगह आप के प्लस वन पुट करते हो फिर जो भी आपकी वो इक्वेशन बनती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड को फिर आप राइट हैंड साइड के इक्वल आपको प्रूव करना था, जैसे आपने अभी प्रूव किया, और जैसे ही आपके तीनों स्टेप हो जाएंगे फिर आप कैसे लिखोगे, बाय बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए रेज टू पावर एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सिंबल आया तो बोल्ड लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए रेज टू पावर एन, आप ऐसे लिखोगे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए रेज टू पावर एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू। देखो आपकी गिवन मैट्रिक्स ए की वैल्यू, दिस इज द गिवन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, आपको प्रूफ क्या करना, अगेन ए रेज टू पावर एन, आपको प्रूफ करना है दैट ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये आपको प्रूफ करना है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अगेन सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट एन इज इक्वल टू वन, पुट एन इज इक्वल टू वन, तो जैसे आप एन की जगह वन पुट करोगे तो ये हो जाएगा ए रेज टू पावर वन इक्वल टू, जब आप यहाँ एन की जगह वन पुट करोगे ये हो जाएगा थ्री रेज टू पावर वन माइनस वन, सारी वैल्यू सेम ही है, थ्री रेज टू पावर वन माइनस वन, थ्री रेज टू पावर वन माइनस वन, थ्री रेज टू पावर वन माइनस वन, ये भी सारी वैल्यूज आपकी सेकेंड रो की सेम है, और थर्ड रो में भी सारी वैल्यू क्या होगी, थ्री रेज टू पावर वन माइनस वन, वन माइनस वन और वन माइनस वन, कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, अब आप देखो
ए रेस टू पावर वन तो हो गया ए, और 3 रेस टू पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का मतलब हो गया 3 रेस टू पावर 0। तो सारे एलिमेंट जो होंगे इस मैट्रिक्स के, इस मैट्रिक्स के, वो आपके क्या हो जाएंगे, 3 रेस टू पावर 0, 3 रेस टू पावर 0, 3 रेस टू पावर 0। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो कैन आई से दैट वी नो दैट एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1, 1, 1, एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये सारी वैल्यूज आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। और आप चेक कर सकते हो यही वैल्यू आपकी क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है, तो ये उसके इक्वल आ रहा है, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, दैट इट इज ट्रू। इट इंप्लाइज ए रेस टू पावर 1 इज ट्रू, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या होगा, पुट एन इज इक्वल टू के एंड लेट इट इज ट्रू, एंड लेट इट इज ट्रू। तो ए रेज टू पावर एन जो होता है वो ए रेज टू पावर के हो जाएगा, और जहां 3 रेज टू पावर n-1 है सारे एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 रेज टू पावर k-1, ऑल एलिमेंट्स विल बी 3 रेज टू पावर k-1, 3 रेज टू पावर k-1, ऑल एलिमेंट्स विल बी 3 रेज टू पावर k-1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट एन इज इक्वल टू के प्लस 1 एंड वी शैल प्रूव दैट, इट इज ट्रू, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू। तो देखो जहां आपका, आप इसी वैल्यू में देखो आपको के को किससे रिप्लेस करना है, k+1, तो जहां आपको के दिखाई दे रहा है वहां क्या हो जाएगा, जहां आपको के दिखाई दे रहा है वहां k+1 रखना है, तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू पावर k+1 इज इक्वल टू, फर्स्ट रो देखो क्या हो जाएगा, 3 रेस टू पावर k+1, के की जगह तो आ गया k+1, और आगे क्या है, -1, आगे आ जाएगा -1, सभी में यही करना है आपको, 3 रेस टू पावर k+1 -1, 3 रेस टू पावर k+1 -1। सेकेंड रो भी यही होगा आपका, k+1 -1, 3 रेस टू पावर k+1 -1, 3 रेस टू पावर k+1 -1। इसी तरह से थर्ड रो के भी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 3 रेस टू पावर k+1 -1, 3 रेस टू पावर k+1 -1, और 3 रेस टू पावर k+1 -1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 से तो 1 कट जाएगा, इसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 रेस टू पावर k। तो कैन आई से दैट ए रेस टू पावर के प्लस वन विल बी इक्वल टू, फर्स्ट रो 3 रेस टू पावर k, 3 रेस टू पावर k, 3 रेस टू पावर k, सेकेंड रो 3 रेस टू पावर k, 3 रेस टू पावर k, 3 रेस टू पावर k, थर्ड रो 3 रेस टू पावर k, 3 रेस टू पावर k, और 3 रेस टू पावर k। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, नाउ अब ये आपको प्रूफ करना है, अब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी जो है ये राइट हैंड साइड है, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज इक्वल टू ए रेस टू पावर के प्लस वन, विच विल बी इक्वल टू ए रेस टू पावर के इंटू ए, तो ए रेस टू पावर के की जो वैल्यू थी वो लिख देते हैं यहां पर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए रेज टू पावर के, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए रेज टू पावर के, तो ये हो गया आपका ए रेज टू पावर के, और वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। तो ये आ गया आपका ए। ये इस तरह से आपका वैल्यू आ गई, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है ए रेस टू पावर के एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, राइट। अब जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही होगा, ठीक है, तो देखो
फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट करोगे तो 3 रेस टू पावर k-1, प्लस सेकेंड एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 3 रेस टू पावर k-1, प्लस थर्ड एलिमेंट के साथ थर्ड एलिमेंट हो जाएगा 3 रेस टू पावर k-1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब फर्स्ट रो के साथ हम करेंगे सेकंड कॉलम को, सारी वैल्यू सेम है तो यहाँ भी क्या आएगा, 3 रेस टू पावर k-1 प्लस 3 रेस टू पावर k-1 प्लस 3 रेस टू पावर k-1। इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, 3 रेस टू पावर k-1 प्लस 3 रेस टू पावर k-1 प्लस 3 रेस टू पावर k-1। ये क्लियर हो गया? सभी जगह पर यही आएगा आपका 3 रेस टू पावर k-1, बिकॉज एलिमेंट सारे आपके सेम है, एलिमेंट सारे आपके क्या है, सेम है, तो मैं सभी जगह पर जो एलिमेंट्स की वैल्यू है वो इसी तरह से लिख देता हूँ, क्योंकि सेम वैल्यूएशन है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। k-1 प्लस 3 रेस टू पावर k-1। थर्ड रो में भी क्या होगा, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा, 3 रेस टू पावर k-1 प्लस 3 रेस टू पावर k-1 प्लस 3 रेस टू पावर k-1। फिर क्या हो जाएगा, 3 रेस टू पावर k-1 प्लस 3 रेस टू पावर k-1 प्लस 3 रेस टू पावर k-1 एंड देन 3 रेस टू पावर k-1 प्लस 3 रेस टू पावर k-1 और प्लस 3 रेस टू पावर k-1। ठीक है, तो ये आपकी सारी वैल्यूएशंस आ जाएंगी, इस तरह से आ जाएंगी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 3 रेस टू पावर k-1 कितने 3 है, 1 2 3, तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 रेस टू पावर k-1। भाई अगर मैं आपको ये कहता हूं ए प्लस ए प्लस ए, तो कितने हैं, आप ये कहोगे ना 3 इंटू ए, 3 a, वैसे यहाँ पे 3 रेस टू पावर k-1 प्लस 3 रेस टू पावर k-1 प्लस 3, बेसिकली मान लो ये आपका एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, 3x के, यहाँ पर 3 आपने लिखा और एक्स क्या है आपका 3 रेस टू पावर k-1, तो ये आपकी इस तरह, तो सारी वैल्यू जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3 रेस टू पावर k-1, और यहाँ पे फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट होगा 3 इंटू 3 रेस टू पावर k-1। सेकेंड रो में भी यही सेम वैल्यू आएगी, 3 इंटू 3 रेस टू पावर k-1, 3 इंटू 3 रेस टू पावर k-1 और 3 इंटू 3 रेस टू पावर k-1। थर्ड रो में भी यही होगा, 3 इंटू 3 रेस टू पावर k-1, 3 इंटू 3 रेस टू पावर k-1 और 3 इंटू 3 रेस टू पावर k-1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, प्लस, ध्यान से देखो ये 3 रेस टू पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेस टू पावर 1 प्लस k-1, 1 से 1 कट जाएगा तो ये हो गया 3 रेस टू पावर k। ऐसे देखो इसमें भी देखो, यह 3 रेस टू पावर 1, तो 3 रेस टू पावर 1 प्लस फिर क्या हो जाएगा, k-1 k-1, तो 3 रेस टू पावर 1 प्लस k-1, 1 से 1 कट जाएगा 3 रेस टू पावर k, 3 रेस टू पावर क्या हो जाएगा, k, तो इट विल बी इक्वल टू, तो सारे के सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 3 रेस टू पावर k, 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 3 रेस टू पावर k और 3 रेस टू पावर k। अब क्या ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो आप देख सकते हो यही आपकी राइट हैंड साइड की, जो हमारी राइट हैंड साइड है उसके सारे एलिमेंट्स क्या है, 3 रेस टू पावर k, तो इट मींस इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर आप क्या लिखोगे, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लेवल है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से ज्यादा डिफिकल्ट था, आपके एनसीईआरटी का जो ऑर्डर है वो प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, 3 सबसे इजी है, 2 उससे डिफिकल्ट है, और सबसे ज्यादा जो लेवल जो आपका डिफिकल्ट है अगर तीनों क्वेश्चन का कंपैरिजन किया जाए 1 है, पर अब आपको 2 और 3 समझ में आ गए तो 1 आपके लिए समझना इजी होगा। अब आपको ये भी समझ में आ जाए क्यों मैंने ऑर्डर को फ्लक्चुएट किया है, चेंज किया है, 3 फिर 2 और फिर 1। देखो आपको गिवन मैट्रिक्स आपकी ए है जिसमें जिसकी वैल्यू है 0 1 0 0, तो पहले जो गिवन मैट्रिक्स क्या है आपकी, गिवन
आपको गिवन क्या है, मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू 0 1 0 0। अब हम बात करते हैं हमें प्रूफ क्या करना है या टू शो, व्हाट वी हैव टू शो। आपको शो करना है दैट ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन बी ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, वेर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, ऑफ ऑर्डर टू। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू वन, तो आपने प्रूफ लिखा, आपने लिखा फॉर एन इज इक्वल टू वन, फॉर एन इज इक्वल टू वन, तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी, ए आई प्लस बी ए एन की जगह वन आ जाएगा। तो बेसिकली ये हो गया ए आई प्लस बी ए। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड की, ये आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, तो आपने लिखा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एन की जगह वन पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा ए रेज टू पावर वन आई, फिर एन की जगह क्या हो जाएगा वन, तो वन इंटू ए रेज टू पावर वन माइनस वन बी ए, कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ए रेज टू पावर वन आई को क्या लिखोगे आप, ए आई वन, ए रेज टू पावर वन माइनस वन क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, देखो वन हो जाएगा ए रेज टू पावर जीरो और बी ए, तो बेसिकली ए रेज टू पावर जीरो भी वन, तो वन इंटू बी ए, तो इसको मैं लिखूंगा क्या बी ए, तो देखो यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, यही आपकी राइट हैंड साइड है, इट इज ट्रू, दैट इज इट इज ट्रू, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आप लिखोगे लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। तो एक बार मैं क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूं यहां पर, इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, तो देखो इसको देख के हम फटाफट एन की जगह के पुट करना है। अब आपको क्या करना है, जहां आपका एन है, वहां पर आपको क्या पुट करना है, के पुट करना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इट इम्प्लाइज ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के, राइट हैंड साइड में देखो ए रेज टू पावर के आई प्लस क्या हो जाएगा के ए, फिर पावर में क्या एन माइनस वन है, तो के माइनस वन बी ए, बी ए हो गया, क्लियर यहां तक। ठीक है चलो जी, तो ये वाला स्टेप भी हमारा हो गया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू, वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू, एक मिनट भाई एक मिनट, यहां पर एन की जगह क्या आएगा के आएगा, के एन की जगह क्या आएगा के, नाउ वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, एन इज इक्वल टू के प्लस वन। ठीक है, तो देखो जहां आपको के दिखाई दे रहा है, जहां आपको के दिखाई दे रहा है वहां के प्लस वन कर दो, जहां आपको के दिखाई दे रहा है वहां क्या हो जाएगा के प्लस वन, तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए रेस टू पावर के प्लस वन इक्वल टू ए रेस टू पावर के प्लस वन आई हो जाएगा, प्लस फिर के की जगह क्या हो जाएगा के प्लस वन, और जहां आपका के है ए रेस टू पावर के प्लस वन माइनस वन बी ए। मैं ये भी चेक करवा देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने यहाँ एन की जगह के ही पुट किया है, वहां गलती से मैंने के प्लस वन लिख दिया था, आप चेक कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कैन सी दैट जहां आपका एन है, जैसे कि यहां पर है ये एन है, तो एन की जगह हमने के पुट किया है, फिर यहाँ एन था फिर एन की जगह के पुट किया है, फिर ये एन माइनस वन था तो के माइनस वन, और यहां देखो जहां आपका एन है, जैसे कि पावर में एन है तो के प्लस वन, फिर यहाँ पावर में एन है तो के प्लस वन, फिर यहाँ पावर में एन माइनस वन है तो के प्लस वन हो गया एन की जगह, फिर माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका थर्ड स्टेप है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है आपका। अब देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि जब प्रूफ हो जाएगा हम कंपेरिजन कर पाए।
चलो जी, कॉपी हो गए, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के प्लस वन, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इसको आप लिखोगे ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। मैं लिख सकता हूं, क्यों लिखा मैंने ऐसा? बिकॉज वी नो दैट ए रेज टू पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन। अब इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये देखो दिस इज द वैल्यू, ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या है? ए रेज टू पावर के आई। तो आप लिखोगे ए रेज टू पावर के आई, ए रेज टू पावर के आई। फिर क्या है? के ए रेज टू पावर के माइनस वन बी ए, तो प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस वन बी ए, ठीक है? के ए रेज टू पावर के माइनस वन बी ए, ठीक है? क्या आपने इसकी वैल्यू लिखी? और इसके साथ में आ जाएगा ए रेज टू पावर, इसको मैं वन लिख लेता हूं, वन आई प्लस बी ए प्लस बी ए, ये क्लियर हो गया, ठीक है? अब देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इस टर्म को, पहले हम इस टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं ए रेज टू पावर के आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? देखो ए रेज टू पावर के बेस सेम है तो प्लस वन हो जाएगा, और साथ में आई इंटू आई क्या हो जाएगा आपका? आई स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे इसको? ए रेज टू पावर के प्लस वन आई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है? देन ए रेज टू पावर के आई को आप मल्टीप्लाई करोगे बी ए के साथ, तो पहले क्या आ जाएगा? ए रेज टू पावर के, फिर क्या आ जाएगा आपका? b, फिर आप लिखो a और फिर आपका आ जाएगा i। तो आपने लिखा प्लस a रेज टू पावर k b a i, ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो देखो k तो आपका एज इट इज आ जाएगा, बेस आपका सेम है, बेस आपका सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? एड हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी? एड हो जाएगी, तो k माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है? फिर बी आपका एज इट इज आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, और फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ जाएगी। तो इट मींस ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस के ए रेज टू पावर, देखो माइनस वन प्लस वन कट जाएगा तो के हो जाएगा, बी ए और ये आई हो जाएगा, ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है? फिर इसको आप इसके साथ करो सॉल्व, तो अब क्या हो जाएगा? के ए रेज टू पावर के माइनस वन, बी के साथ बी को करोगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, ए के साथ ए को करोगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपने प्लस में लिखा के ए रेज टू पावर के माइनस वन, ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया आपका ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है? अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है वन, मैट्रिक्स के फॉर्म में ये वन होता है, तो वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर ही आएगा। तो कहने से इधर इट विल बी इक्वल टू ए रेज टू पावर के प्लस वन, ऐसे जब मैं इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस ए रेज टू पावर के बी ए, ठीक है? ऐसे जब आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई है, ये तो खत्म हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा के ए रेज टू पावर के बी ए, और प्लस में आपकी ये वैल्यू आ जाएगी के ए रेज टू पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारी आ रही है, अब हमें जो प्रूफ करना है उससे कंपेरिजन करके देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हमारी ऑलरेडी मैच हो रही है, या फिर क्या ये ऑलरेडी हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो चुका है। अब आप यहाँ पे चेक करो, तो जब आप चेक करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म तो आपको मिल गई, इसमें वो आई क्या रहा है, इसमें वो आई क्या रहा है, तो आई स्क्वायर को आप आई लिखो, जहां उसने आई स्क्वायर लिखा हुआ था वही वन का स्क्वायर करोगे वन ही आएगा। अब जो जो वो कह रहा है उस हिसाब से हम इसको लिख देते हैं, अगर राइट हैंड साइड में आपको आई चाहिए तो आप आई, वन का स्क्वायर वन ही होता है। फिर वो क्या कह रहा है? के प्लस वन, तो इसको वो बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने लिखा ए रेज टू पावर के प्लस वन आई। अब आपको यहाँ चाहिए k प्लस वन, के प्लस वन, ठीक है? और साथ में चाहिए आपको ba, तो देखो मैं ba तो कॉमन ले रहा हूँ, ba मैं क्या ले रहा हूँ? कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है? ये देखो वन से वन कट जाएगा, तो बेसिकली जो आपकी राइट हैंड साइड है वो k है, मैं वहीं पे इसको कैंसिल करके लिख देता हूँ, ये वन से वन कट जाएगा, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ a रेज टू पावर k है आपका, राइट हैंड साइड में क्या आएगा? a रेज टू पावर k। अब देखो देखो अब यहाँ देखो मैं ba कॉमन ले रहा हूँ, ba मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका? ए रेज टू पावर के, आपने बी ए कॉमन ले लिया, आपने बी ए
ऐसे नहीं आप ऐसे समझो, यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से कॉमन आएगा ए रेस टू पावर के बी ए, ए रेस टू पावर के बी ए कॉमन है। तो देखो मैंने लिया ए रेस टू पावर के बी ए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा के, ये पूरा ही कॉमन आ गया तो इसकी जगह आ जाएगा प्लस वन, ठीक है। फिर प्लस में आपकी ये टर्म आ जाएगी के ए रेस टू पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो आपको आपका सारा पार्ट प्रूफ हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका, ये भी आ गया आपके पास, पर ये आपके पास एडिशनल आ रहा है जिसकी आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो इसमें मीन्स ये जो वैल्यू है मेरी वो जीरो के इक्वल होनी चाहिए, ये वैल्यू मेरी किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के। अब जीरो के लिए मुझे प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक ही वैल्यू है, वो है मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है उसका यूज करके आप ए स्क्वायर फाइंड करो। अगर ए स्क्वायर आपका जीरो मैट्रिक्स बन जाता है तो ये पूरी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ मैट्रिक्स ए की वैल्यू है आपकी, मैट्रिक्स ए की क्या वैल्यू है हमारी, 0100, 0100। तो व्हाट वी विल डू नाउ, नाउ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0100, 0100, राइट। तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0100, और यहां भी हो जाएगा 0100, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट। अब क्या होगा आपका, क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 0 × 0 हो जाएगा 0, प्लस 1 × 0 हो जाएगा 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 0, 0 × 1 क्या हो जाएगा 0, 1 × 0 ये भी क्या हो जाएगा 0, 0 0 को करोगे तो ये भी 0 + 0 ही आएगा, फिर 0 0 को करोगे तो 0 + 0 ही आएगा। तो बेसिकली ये आपका क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया, ये क्या आ गया आपका, जीरो मैट्रिक्स आ गया, ये क्लियर हो गया। जैसे ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, जैसे ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, नाउ कैन आई से दैट, ये जो आपकी वैल्यू है देखो आपकी वैल्यू क्या है, के ए रेस टू पावर के माइनस वन, के ए रेस टू पावर के माइनस वन, देन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, के ए रेस टू पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स। तो किसी भी जीरो से किसी को, जीरो से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को, वो जीरो ही बन जाता है। तो बेसिकली ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, ये क्या है आपका, जीरो मैट्रिक्स। तो जैसे आपकी ये वैल्यू आ गई अब क्या होगा, देयरफॉर जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है अब वो किसके इक्वल होगी, ए रेस टू पावर के प्लस वन आई लिखो, ए रेस टू पावर के प्लस वन आई, प्लस क्या हो जाएगा, ए रेस टू पावर के बी है और के प्लस वन, तो इसको मैंने लिखा के प्लस वन और ए रेस टू पावर के बी है, और ये जो वैल्यू है आपकी अभी आपने प्रूव किया किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स का। जीरो मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, इस तरह से बोल्ड लेटर में आपको लिखना है ओ, ये आपका जीरो मैट्रिक्स है, दिस इज द सिंबल ऑफ जीरो मैट्रिक्स, दिस इज द सिंबल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। तो कैन आई से दैट, कैन आई से दैट इट इंप्लाइज अवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए रेस टू पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए रेस टू पावर के बी ए, ये आपके आगे। और देखो क्या ये राइट हैंड साइड की अब इक्वल आ रही है, तो चेक कर लेते हैं, अब आप चेक कर सकते हो दैट ए रेस टू पावर के प्लस वन आई, ये इसके इक्वल आ रहा है, प्लस के प्लस वन, के प्लस वन, ए रेस टू पावर, ये तो वन से वन कट के ए रेस टू पावर के हो गया और बी ए, एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया दैट इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। व्हाट वी विल से नाउ, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के जो आपके थ्री क्वेश्चन थे, ये तीनों आपने कर लिए। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट होगा चैट बॉक्स में शेयर कर देना, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग एनएसी से पहले मैं आपका डाउट क्लैरिफाई कर दूं। क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है।